गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं डीएनए फुटप्रिंटिंग। डीएनए फुटप्रिंटिंग क्या होता है, समझिए। अगर हमारे पास एक डीएनए है, हमें पता है हर एक डीएनए से प्रोटीन आके अटैच होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। भले वो आरएनए पॉलीमरेज हो, भले वो डीएनए पॉलीमरेज हो, भले वो हेलिकेज हो, बहुत सारे प्रोटीन डीएनए से आके अटैच होते हैं। अब समझो मुझे ये जानना है कि मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन है तो वो डीएनए में कहां स्पेसिफिकली जाके बाइंड हो रहा है। अगर मुझे ये चीज जाननी होगी तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, डीएनए फुटप्रिंटिंग नाम की टेक्निक कर सकती हूँ। मैंने क्या कहा, समझिए अगर मेरे पास यहाँ पर एक प्रोटीन, एक डीएनए है, इस डीएनए पे कोई प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड हो रहा है, तो मुझे ये देखना है कौन सी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे प्रोटीन आके बाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं डीएनए प्रोटीन स्पेसिफिक सीक्वेंस इंटरैक्शन, स्पेसिफिक सीक्वेंस इंटरैक्शन कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे जगह है जहाँ पे प्रोटीन आके बाइंड। अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझे मेरे पास यहाँ पर एक डीएनए है, मुझे लग रहा है कि एक प्रोटीन जो है इस डीएनए से आके बाइंड हो रहा है। अब मुझे जानना है इस डीएनए में स्पेसिफिक कौन सी जगह से आके बाइंड हो रहा है। ये डीएनए में मान लेती हूँ समझो 75 बेस पेयर का ये डीएनए है मेरे पास, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए 75 बेस पेयर का, पहले मैं क्या करवाऊंगी, यहाँ पे पीसीआर चलाऊंगी। पीसीआर क्या होता है, पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वजह से क्या होगा, इसकी मुझे बहुत सारी कॉपीज मिल जाएगी। इस डीएनए की मुझे बहुत 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 सारी कॉपीज मिल जाएगी क्योंकि इसका रेप्लिकेशन करवा लिया मैंने। फिर यहाँ पे क्या करूंगी, एक बार जब मुझे कॉपीज मिल गई तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल ड्रॉ कर लेते हैं। समझो इस तरीके से हमारे पास ये डीएनए है, इसकी मुझे बहुत सारी कॉपीज मिल गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मैं समझ रही हूँ 6 कॉपीज मिल गई। पर बहुत सारी हम 7, 8 कितने भी मान सकते हैं, 10 कॉपी कितनी भी हम मान सकते हैं, हमें मिल गई। इसके साथ साथ जब हम इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जब इसका हम रेप्लिकेशन करवा रहे हैं, उसी टाइम पे इसका जो एक तरफ का 5' एंड होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम रेडियो लेबल कर देंगे। सिर्फ एक तरफ के एंड को ही हम रेडियो लेबल करेंगे, दोनों तरफ को रेडियो लेबल नहीं करेंगे। हमें पता है इस तरफ भी 5' एंड होगा लेकिन सिर्फ एक ही तरफ हम इसको रेडियो लेबल करने वाले। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँ। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इन सारे डीएनए को ट्रीट करेंगे। किससे ट्रीट करेंगे, एक एंजाइम से ट्रीट करेंगे जो इस डीएनए को कट कर सके। उस एंजाइम को जो हम इसके प्रोसेस के लिए स्पेसिफिकली देते हैं उसका नाम है डीएनएस। डीएनएस जो होता है एंडोन्यूक्लिएज है, और ये कैसा एंडोन्यूक्लिएज है जो कि नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक यानी कि डीएनए में कहीं पे भी जाके कट कर सकता है, सिर्फ एंड्स पे कट नहीं करेगा, बीच में ये डीएनए को कहीं पे भी कट कर सकता है। हम इन सबको, इन सभी डीएनए को इससे ट्रीट करेंगे। इसका जो अमाउंट है हम लो रखेंगे। इसके अमाउंट को लो रखने का रीजन क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। उसी के साथ साथ हम इसमें मैग्नीशियम डाल देंगे, मैग्नीशियम डीएनए इसको हेल्प करेगा उसका फंक्शन करने के लिए। इसी के साथ साथ हम इसमें लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। अब हमने लो अमाउंट और लो टेम्परेचर क्यों प्रोवाइड किया, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो एक डीएनए है वो हर डीएनए स्ट्रैंड को सिर्फ एक ही बार कट करे। मैं नहीं चाहती कि एक डीएनए स्ट्रैंड बहुत बार कट, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हर एक डीएनए स्ट्रैंड सिर्फ एक ही बार कट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, समझो यहाँ पे डीएनए आया, उसने इस डीएनए को यहाँ पे कट किया, इसको इसने यहाँ पे कट किया, इसको इसने यहाँ पे कट किया, इसको 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 यहाँ पे कट किया, और हो सकता है इसको कट ही ना कर पाए। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसकी वजह से यहाँ पे सारे ब्लंट एंड फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ से कट होगा, यहाँ से कट होगा, यहाँ से कट होगा, तो इसकी वजह से मुझे इधर क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्लंट एंड मिल जाएंगे। अब इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं लोड कर दूंगी और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाऊंगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज रन करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रख दिया। जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा वो सबसे दूर तक जाएगा, और जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। और मैंने, आप ध्यान देखिए, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 5' एंड को लेबल किया, सिर्फ 5' एंड को लेबल किया, तो यहाँ वाला ये जो इतना पूरा फ्रेगमेंट है ये तो मुझे दिखेगा ही नहीं, इसमें ये तो लेबल ही नहीं था, मुझे सिर्फ इस तरफ वाले फ्रेगमेंट्स दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला फ्रेगमेंट देखूँ तो ये सबसे छोटा है, तो मुझे यहाँ पे सबसे छोटा बैंड इधर मिलेगा इसका। फिर ये वाला जो है थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। फिर ये वाला और थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे ये, तो टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है तो यहाँ पे ऐसे 8 मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये इस तरीके से 8। आठवां वाला तो पूरा का पूरा वो तो कट ही नहीं हुआ, और ये सारे के सारे कैसे 5' एंड पे रेडियो लेबल है। अब अगर हम इनका स्पेसिफिक साइज मान लें, अगर मैं समझू यहाँ पे, समझू कि इसने इसको 10 बेस पेयर पे कट किया, मैंने कहा ये जो सबसे छोटा वाला फ्रेगमेंट है समझे 10 बेस पेयर का, इसने इसको कर दिया 20 बेस पेयर पे कट, सेकंड वाला 20 बेस पेयर पे, तीसरे वाले को मान लेते 25 बेस पेयर पे कट किया था, चौथे वाले को 35 बेस पेयर पे कट किया, नेक्स्ट वाले को कर दिया 45
45 बेस पेयर पे कट, नेक्स्ट वाले को क्या 60 बेस पेयर पे कट, नेक्स्ट वाला है 70 बेस पे और नेक्स्ट वाला कंटिन्यू आता तो वो है 75 का 75। तो इस तरीके से हम समझ लेते हैं ये सभी फ्रेगमेंट्स के साइज और इस तरीके से कट किया। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे एक लैडर टाइप के डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल चुके हैं। क्या अभी तक मुझे ये पता चला कि एग्जैक्टली डीएनए के ऊपर प्रोटीन कहाँ पे आके बाइंड हुआ है? नहीं, मुझे एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता चला। ये जो प्रोसेस मैंने किया बिल्कुल यहाँ पे सिंपल प्रोसेस किया मैंने। अब मुझे यहाँ पे जानना है कि कहाँ पे स्पेसिफिकली आके बाइंड हुआ होगा। तो समझे, यहाँ पे मेरा जो प्रोटीन है ये इस तरीके से यहाँ पे मेरा डीएनए और इसके ऊपर प्रोटीन आके बाइंड कर रहा है। समझिए ये प्रोटीन कहाँ पे आके बाइंड कर रहा है, ये प्रोटीन आके बाइंड कर रहा है 25 बेस पेयर से लेकर 45 बेस पेयर के बीच में। यहाँ पर जितना भी ये पार्ट है 25 से लेकर 45 बेस पेयर के, ये जो डीएनए का पार्ट है यहाँ पे प्रोटीन आके बाइंड कर रहा है। जब ये प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड करेगा ना, तो ये वाला जो प्रोटीन है ये क्या कर देगा, ये कवर कर देगा डीएनए को। डीएनए को अगर ये कवर कर देगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, इतना पार्ट जो है डीएनए कट ही नहीं कर पाएगा। DNA won't be able to cut this much part, क्योंकि इतना part तो protein ने cover कर दिया। किसने cover कर दिया? Protein ने cover कर दिया। तो यहाँ पे DNA बोलेगा, अरे भाई cut कैसे करो, तुमने तो cover कर दिया। मैं फिर से यहाँ पे पूरा experiment चलाऊंगी। फिर से यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, same art ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से मेरे पास फिर से यहाँ पे same art यहाँ पे आ चुके हैं DNA के strands। इन 8 स्ट्रैंड्स पे स्पेसिफिक जगह पे आके ये बाइंड हो चुका है। मुझे अभी पता नहीं है स्पेसिफिक जगह क्या है, लेकिन ये प्रोटीन इस तरीके से आके बाइंड हो चुका है। सेम यहाँ पे क्या आएगा, सेम यहाँ पे ये डीएनए आएगा। मैंने डीएनए पुट किया, डीएनए आके कट किया, तो डीएनए ने कहाँ कट कर दिया, 10 बेस पेयर पे कट कर दिया, 20 बेस पेयर पे भी कट कर दिया। फिर वो डायरेक्टली 25 पे भी नहीं कर पाएगा, 35 पे भी नहीं कर पाएगा, 45 पे भी नहीं कर पाएगा। बाद अगर वो कट किया तो यहाँ पे कट कर पाएगा, फिर वो 60 पे कट किया, फिर उसने 70 पे कट किया। तो इस तरीके से यहाँ पे कट किया, लेकिन इतना जो रीजन है इतना रीजन पे कट नहीं होगा, यानी कि कहां से लेकर कहां तक, 25 बेस पेयर से लेकर 45 बेस पेयर तक कट नहीं होगा। उसके बाद कट हो सकता है, एंड पे कट हो सकता है, उससे पहले कट हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट पे कट नहीं होगा। तो इसकी वजह से अब मैं यहाँ पे फिर से इसको भी क्या करूंगी, इसको भी यहाँ पे मैं रन करवाऊंगी। ये वाला भी जो है 5 प्राइम एंड पे कैसा है, रेडियो लेबल्ड है। सारे के सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पे भी रेडियो लेबल्ड है। जब मैं इसको यहाँ पे रन करवाऊंगी, तो आप ध्यान से देखिए इस कंडीशन में मुझे कैसे मिलेंगे। इस कंडीशन में मुझे 10 बेस पेयर का मिलेगा, ऑब्वियसली बात है 10 बेस पेयर का भी मिलेगा। क्या मुझे 20 बेस पेयर का भी मिलेगा? यस, मुझे 20 बेस पेयर का भी मिलेगा। क्या मुझे 75 बेस पेयर का फ्रेगमेंट मिलेगा? यस, बिल्कुल मिल सकता है, हो सकता है डीएनए से पूरे डीएनए को कट ही ना किया हो। क्या मुझे 70 बेस पेयर का मिलेगा? यस। क्या मुझे 60 बेस पेयर का भी मिलेगा? यस। लेकिन क्या मुझे 25 बेस पेयर का कोई फ्रेगमेंट मिलेगा? नहीं। हो सकता है कि मुझे 24 बेस पेयर का मिल जाए, हो सकता है कि मुझे 24 बेस पेयर का मिल जाए, हो सकता है कि मुझे 46 बेस पेयर का मिल जाए, लेकिन मुझे ये जो 25 से लेकर 45 के बीच का फ्रेगमेंट है ये यहाँ पे मुझे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन ने क्या कर लिया, 25 से लेकर 45 बेस पेयर वाली जगह को कवर कर लिया, वहां पे कट हो ही नहीं सकता। 24 पे हो सकता है या फिर सीधा 46 पे हो सकता है। तो इसकी वजह से मुझे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये वाली जो जगह मिल रही है, इतनी जगह मुझे कैसे मिल रही है, ब्लैंक मिल रही है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फुटप्रिंट। ये वाली जो जगह है यहाँ पे मुझे कोई बैंड मिलेगा ही, यहाँ पे अगर मुझे कोई बैंड मिला ही नहीं तो मैं क्या समझ जाऊंगी, मैं यहाँ पे ये समझ जाऊंगी कि इस जगह पे स्पेसिफिकली प्रोटीन आके बाइंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई फ्रेगमेंट नहीं मिल रहा, तो डीएनए यहाँ पे कट ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये गाइस होता है ये डीएनए फुटप्रिंटिंग के टेक्निक, जिसमें हम डीएनए को यूज करते हैं, लैडर बनवाते हैं, हमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। जो सबसे लोअर फ्रेगमेंट होता है वो सबसे नीचे जाता है, लेकिन जहां हमें प्रोटीन अटैच हो गया वहां पे हमें कोई फ्रेगमेंट नहीं मिलेगा उस साइज का, जिसकी वजह से हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं नॉर्मल से कि हाँ इतने से लेकर इतने बेस पेयर पे जो प्रोटीन है वो आके बाइंड किया होगा। तो आई होप गाइस ये डीएनए फुटप्रिंटिंग आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी।